अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपका अपना तौसीफ़ और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम किसी का भी स्टेटस जो है वो उठा के अपने व्हाट्सएप के ऊपर लगा सकते हैं और उसको पता भी नहीं चलेगा और वो हम बग़ैर किसी ऐप स्टेटस सेवर वगैरह के विदाउट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बिल्कुल फ्री होगा। जो स्टेटस हम देखते हैं वही है स्टेटस जो होगा वो हमारे मोबाइल के अंदर से हम डाउनलोड कर लेंगे और इसके लिए कोई भी डाटा वगैरह नहीं लगेगा, बस एक दफ़ा स्टेटस को व्यू करना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो को आसानी के साथ हासिल कर ले और मेरी इस वीडियो को प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं कोई भी हम स्टेटस देख लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वो स्टेटस कैसे वर्क करेंगे। वैसे तो मैंने ऑलरेडी सबके सब स्टेटस देख लिए हैं लेकिन हम यहाँ से देख लेते हैं कोई भी स्टेटस, ये देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे डिल्लू मेरा फ्रेंड है तो बीवी से गुजारिश है कि घरों में बंद रहे और इसको शुरू ख्याल की जो भी मतलब लिखा हुआ है। अब इसको हम अपने मोबाइल के अंदर कहाँ से फाइंड करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों ने करना कुछ नहीं है, आप लोगों ने जस्ट अप माई फाइल्स को ओपन करना है। माई फाइल्स को ओपन करने के बाद आप लोगों ने अगर आपके इंटरनल स्टोरी के अंदर व्हाट्सएप पड़ी है तो व्हाट्सएप के अंदर जाना, व्हाट्सएप वाले फोल्डर के अंदर जाके आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग बैक आ जाएँ। वापस आने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले ये सेटिंग को खोलना है। सेटिंग को खोलने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे हम मतलब हर किसी की सेटिंग अलग अलग टाइप की होती है हर मोबाइल की, लेकिन मेरी मोबाइल की सेटिंग के अंदर ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ये शो हाइड्स फाइल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ से इसको ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स करना कुछ भी नहीं है, इंटरनल स्टोरी के अंदर जाना है। इंटरनल स्टोरी के अंदर जाके आप लोगों ने व्हाट्सएप का फोल्डर खोलना है। व्हाट्सएप का फोल्डर खोलने के बाद आप लोगों ने यहाँ से आप लोगों ने यहाँ से मीडिया के अंदर चले जाना है। मीडिया के अंदर जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है स्टेटस। ठीक है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमने जो स्टेटस मतलब वहाँ पे देखा था वो कौन सा था हम यहाँ से अब फाइंड कर लेंगे। वैसे तो जितने भी स्टेटस मैंने देखे हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन वो वाला स्टेटस हम ढूँढ लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम कोई भी स्टेटस जो होगा वो वहाँ से चूज़ करके ये देखें लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आप लोग ये वाला स्टेटस लगाना चाहते हैं तो यहीं से सीधा डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर जाके स्टेटस यहाँ से ये स्टेटस लग जाएगा, लेकिन मैं नहीं लगाना चाहता या मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ तो यहाँ से सीधा सीधा मूव या फिर मूव टू इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे मूव हेयर कर लेता हूँ और ये देखें मैंने इसको बाहर ले आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखें इसके लिए कोई भी ऐप जो है हमें डाउनलोड नहीं करना पड़ी, ये एक सिंपल सी ट्रिक है। आप लोग जो भी अपना स्टेटस मतलब देखते हो आप लोग उसको आसानी के साथ हासिल कर सकते हो। ठीक है, वो आपके मोबाइल के अंदर ही पड़ी होगी। ठीक है, ये देखें तो ये वाली इसका स्टेटस हम देखते हैं, वो भी आसानी के साथ हमें वहीं पे मिलेगा। सबसे पहले व्हाट्सएप मीडिया स्टेटस और फाइंड करते हैं। फ्रेंड्स मुझे शायद वो नज़र ना आए लेकिन आप लोगों को आसानी के साथ नज़र आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वही स्टेटस है जो हमें आसानी के साथ मिल गया है। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि आप किसी का स्टेटस भी उठा के लगा सकते हो, इसके लिए आपको किसी ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो ही स्टेटस आप व्हाट्सएप के ऊपर डाउनलोड करेंगे वो वाले स्टेटस ही आप लोग यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को अलग से कोई
रोमिंग वगैरह मतलब आप लोगों को डाटा नहीं चाहिए, मतलब अगर आप लोगों के पास सिर्फ व्हाट्सएप का पैकेज है तो आप इसको आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं, किसी का भी स्टेटस आप उठा के लगा सकते हैं। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।